डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी बगिया में। और आज मैं आपको वो बताऊंगी कि बागवानी करके कितनी मन को शांति मिलती है, कितना आनंद आता है, कितनी खुशी मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ में कभी कभी बहुत धक्का लगता है, बड़ी चिंता होती है, क्योंकि जब खड़ी फसल जल जाती है, सूख जाती है, या बंदर बर्बाद कर जाते हैं, या आंधी तूफान में ख़त्म हो जाती, तब उस दिन इतनी निराशा हाथ आती है। अब देखिए, इस साल की गर्मी ने मेरे लगभग सभी प्लांट, बड़े छोटे, सब झुलसा दिए। इतना पानी दोनों टाइम डालने के बावजूद, ये देखिए आपको दिखाएं, ये इतना बड़ा पपीता था, इसमें फल आ रहे थे, और ये देखिए, और ये सूख गया, सूख के और इस गमले से नीचे गिर गया इस तरह से। और इसके साथ साथ में देखिए, ये हमारा चीकू का पेड़ कितना बड़ा है, ये भी इसके जलने और टूटने से ये भी टेढ़ा हो गया। तो यही सारी है, सब सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख हर चीज़ में है। हम ये सोचते हैं कि बागवानी करके जो हमारे मन को शांति मिलती है, तो कभी कभी कष्ट भी मिलता। देखिए, सारे पपीता सूखे जा रहे हैं और ये सारी बेल सूखी जा रही है, इसको नहीं बचा पाए। यहाँ तक ये आपको दिखाएं, मेरे पास में ये एक पपीता का पेड़ ये भी खड़ा था, ये भी सूख गया, इसको पानी। ये अंजीर, ये अंजीर देखिए किस तरह से अंजीर के फली फल आपको दिख रहे हैं, बकाया आपको कुछ नहीं दिखेगा, पूरा अंजीर देखिए, फल से पत्ते सब सूख गए और सूख कर ये गिर गए हैं, झड़ गए हैं। ये लगता है कि पेड़ भी ना चला जाए, लेकिन हम इसमें दोनों टाइम बड़ी केयरफुली पानी डालते हैं, इसमें ठंडी खादें डालते हैं। मेरे सारे मिर्ची के प्लांट ये सब कुछ जल गया, बस यही ये दुख है। और सुख ये है कि जब हर अब पौधे को लगाते फूलता फलता, तो कितनी भी चिंताओं में कोई भी मानसिक टेंशन हो, आप गार्डन में आ जाओ तो देख के खुशी होती है कि मेरे गार्डन में ये है। आपको छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें सब उपलब्ध हैं, आपको इमरजेंसी नहीं पड़ेगी रात में भागने की। अगर कोई गेस्ट आ जाए तो आपको छत पे सब्जी मिल जाएगी। आप तड़का लगाने जाने तो करी पत्ती, नीम, पूजा करने जा रही तो फूल, और समी का प्लांट, आंवला का प्लांट, ये सारे चीज़ें आपको अपनी छत पे ही उपलब्ध होंगी, ये सब खुशियाँ मिलती हैं। दूसरी बात है, पर्यावरण अच्छा रहता है। जितना ये किचन वेस्ट हम बना रहे हैं, ये सब रोड पे होता है या इधर उधर फेंकते। अब ये देखिए, ये सब मेरा किचन वेस्ट, जितना किचन से निकलता है घर में, छिलके, चाय पत्ती और जो भी है खाने पीने से, मतलब फलों आते हैं उनके सब के छिलके इस तरह से, और बेल एल जो है वो इस तरह से ड्रम में भरते जाते हैं, और ये लास्ट में एक साल बाद इस तरह से बन के ये ढेरों ढेर मिल जाता हमें, इससे आगे हमारी सब्जियां होने लगती हैं। तो बस यही सब चलता रहता है। मुझे आज कुछ पेड़ सूख गए, उनको आज हम सोच रहे हैं कि जला दूं, जिससे मुझे जलाने से मुझे दो फायदे होंगे। एक तो हमें उठा के कचड़े की गाड़ी में कचरा नहीं डालना पड़ेगा, दूसरी बात है कि मुझे राख मिल जाएगी। लेकिन थोड़ी हवा चल रही तो थोड़ा डर रहे हैं कि कहीं आग उड़ ना जाए, तो मैं साथ में पानी भी रखूँगी और दिखाऊँगी किस तरह से मैं जला रही हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आग लगा दी और जो इसमें राख निकलेगी वही हमारी सब्जियों में क्यारी में जाएगी। लेकिन हम साथ में मैंने पानी भी बाल्टी रख ली, क्योंकि हवा चल रही है, कहीं आग इधर उधर ना चली जाए, इसलिए फटाफट पानी डाल दूंगी। तो ये बाल्टी भर के पानी भी रख लिया, और बस यही ये करना था। तो मैंने कहा, सोचा आपको भी दिखाऊँ कि इस तरह से कबाड़ भी हट जाएगा और राख भी मुझे मिल जाएगी। ये कहाँ फेंकने जाएंगे, ये जितनी सूखी बेल थी मैंने सारी जला दी।